यहाँ मैंने सेरी के लिए आटा गूंद के रख दिया और ये दूध जो है मैं फ्रिज में रखूँगी। और फ्रिज में जो है ना वो जगह नहीं थी क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी प्लेटें डाली हुई थी समोसे रख कर फ्रोज़न करने रखे हुए थे, वैसे जगह है फ्रिज में। तो अब माशाल्लाह से मैं फारिग हो गई हूँ कुरान और नमाज पढ़ के, अब मैं सेरी बनाने आ चुकी हूँ। अब देखिए मैंने सिर्फ चूल्हा साफ़ नहीं किया, बस चूल्हा साफ़ करने को रह गया था तो मैं भी वो इंशाल्लाह भी साफ़ करूँगी। सारे बर्तन वगैरह क्लीन आउट कर लिए थे मैंने, ये देखिए सब कुछ क्लीन करके बैठी हूँ मैं। और यहाँ से आटा और तेल वगैरह सब कुछ सेट कर लिया है मैंने। तो चले आए अफ्ता सेरी बनाते हैं जल्दी से। अब देखते हो मैं जो है अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तस्बीहात कर रहे हैं आई थिंक, हाँ तस्बीहात, मतलब नमाज़ पढ़ चुके हैं अब तस्बीहात कर रहे हैं। और मैं भी अभी यहाँ से जो है कुरान पाक पढ़ के हटी हूँ। सेरी का टाइम ठीक ही हो गया है तो चले आए सेरी बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? देखें भैया माशाल्लाह से नए पर्दे कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं? ये हमारी बेगम की चॉइस है। आए ज़रा देखते हैं सारी का टाइम है, क्या बना रही है ताबिंदा, आए देखते हैं क्या कर रही है ताबिंदा। पराठे बना रही हैं? अरे वाह, आज कीमा और पराठा, कीमा और पराठे, यानी क्या सेरी लश होने वाली है माशाल्लाह। कल भी अच्छी की थी, कल तो थी अच्छी मगर आज कुछ ज्यादा अच्छी हो जाएगी क्योंकि आज कीमा आ रहा है भाई। हाँ ये तो है, उबले हुए कीमे, जाहिर सी बात है कीमा तो पराठों के साथ अच्छा लगता है, बिल्कुल, और मजेदार खाने में स्वाद पैदा हो जाएगा। ये बताएं कि मेरे हाथ के पराठे कैसे लगते हैं? आपके हाथ के पराठे तो बड़े फेमस हैं माशाल्लाह। ये आप तो तेल से बुला रही हैं जैसे पठान होटलों पे नहीं बुलाते। अरे ये दोनों तरफ हो जाएगा ना, मुझे पराठों में तेल थोड़ा सा, लेकिन ये अभी जब इसको फ्राई करेंगे ना इसका तेल पता भी नहीं चलेगा। अच्छा अभी मैं दिखाती हूँ, ये चमचों से, इस चमचे से मुझे आपने तेल डाला ही पता क्यों नहीं चलेगा भाई। अभी खुद देख ले, ये तेल दोनों तरफ देखिए यहाँ पर खुश्क पड़ गया। हाँ बस ये तेल दोनों तरफ हवाए लग जाता है। ओहो ये असल में अब घी लेकर नहीं आए, घी तो फिर हल्का पड़ता है, तेल ज़्यादा लगता है। तेल ज़्यादा लगता है, घी कम लगता है? जी मैं यही कह रही थी आपसे घी लाने के लिए। क्या बात है, अब इंशाल्लाह तेरा घी ही आएगा। कल घी, काले चने और सफ़ेद चने भूलना नहीं है, ठीक है ना। बस अब टाइम हो चुका है हम सेरी करने का, पहले सेरी बनाने का टाइम था, अब करने का टाइम है। तो बस अब हमने ये देखें कीमा, ये मैंने भुना हुआ कीमा बनाया है और इसको मैं अभी जो है ना दूध में डिप नहीं करूँगी, वरना जब तक खाते हैं ना, हम जब खाने बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा ही डिप हो गया था। दही पराठे और ये आ गई हमारी सेरी उमेरियन, अब खा रहे हम सेरी कर रहे हैं। दही बना रही हूँ, ये मैंने मट्टी का जो है ये ले लिया है पॉट, इसके अंदर जो दही है मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी, चाहे तो आप हाफ भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने अब आधा था अब मैं, ये बॉयल दूध है और जो है नीम गरम दूध है, ये मैं इसको ऐड करूँगी थोड़ा ऊपर से बना के झा। ये आधा किलो दूध था, अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, अब मैं इसको इस तरह कवर करके छोड़ दूँगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग।
और ये देखें अब अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। ये इमली का पन्ना घोल दिया है अच्छा खासा ताकि मैं स्टॉक करके रख सकूँ। यहाँ मैं चटनी पीस रही हूँ ग्रीन वाली, कल जल्दी में पीस नहीं पाई थी तो ये है। इससे मैं वोंगटन बनाऊँगी अभी और ये इसमें निकाला है तो अभी मैं इसमें सबसे चटनी पीसूँगी। अंडे और आलू बॉईल करने रख दिए हैं, यहाँ माइक्रोनी बॉईल हो रही है। तो अब ये रेसिपी मैं आपसे शेयर इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। उमेर जो है अभी मैं आपको दिखाती हूँ उमेर कर क्या रहा है। अभी तक कालीन धुली नहीं है, आज इंशाल्लाह पानी आ चुका है तो आज धोएंगे। और ये रहे उमेर जो सो रहे हैं, टाइम चेक करें 5 बजने वाले हैं। और मैं बस किचन में आ गई हूँ, स्टार्ट करती हूँ रेसिपीज़ बनाना। फिर मैं किचन में आकर जल्दी जल्दी से मैंने जो है खाना वगैरह रेडी किया, मतलब सब कुछ रेडी किया। अफ्तार और माशाल्लाह टाइम पे सब कुछ रेडी हो चुका था तो बस जल्दी जल्दी रेडी किया और फिर आए देखते हैं अफ्तार के टाइम पे हमने क्या किया। तुझी पर भरोसा किया और तेरे लिए दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। मैं गायब है, मैं गायब है। गायब होने की वजह ये है इनकी कि ये अपने भाई के साथ गए ठीक एंड अफ्तार टाइम पर और अभी तक आई नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना सब कुछ बनाया है माशाल्लाह, हम और रिजवान खा लेंगे। सही ना रिजवान? हाँ। उमेर देर से आए हैं ना, ये देखिए भाई अब उमेर आ गए। जब हमने माशाल्लाह अच्छा खासा मैंने और रिजवान ने ख़त्म कर दिया है सब कुछ, अब उमेर आए हैं। मतलब अब यही सब कुछ बचा है, जो मेन जो चीज़ें थीं वो ख़त्म हो गई। ये अब बैठ के आए हैं, ऐसे आए हैं और ये अब कर रहे हैं अफ्तारी। मैं अपनी नमाज तरावी माशाल्लाह सब कंप्लीट करके आ गई हूँ और अभी आई हूँ अम्मी के घर और मायजा के लिए से मेरी चीज़ लेकर आई थी तो बस मायजा को चीज़ दूँगी और साथ में जो है कुछ खिलौने मायजा की मम्मा ने कहा था ला दो उसके, तो बस वो इसीलिए आई हूँ मायजा को लेने के लिए, फिर साथ जाके खिलौने लेके आएंगे। मंतब शिरा अक्सा सब आबी वगैरह यहाँ पढ़ने गए तरावी, तरावियों के बाद चाय देंगे। भी सब गंदे हो रहे, मैंने अभी झाड़ू तक नहीं लगाया, झाड़ू लगाऊंगे पहले। मैंने कहा चलो उनको चाय बना कर दूँ। पकड़े अपनी चाय, हाँ रख लें यहाँ पे। तो सबसे पहले इनको चाय चाहिए होती है, अभी पूरी गंदगी हो रही है सारी, तो ये भी मैं पूरी सफाई करूँगी। बाहर आई हूँ मैं अभी, ये देखें सफेद दोनों सही है। चने लूंगी कल, चने बनाऊंगी। रमजान की रौनक माशाल्लाह, तरावी पढ़ कर आई। हाँ यहाँ से ले ले, क्या भाव है? काले 70 रुपये। काले ले लो ना, वहाँ से एक पाव दूसरे ले लो। वहाँ से क्या, सब जगह एक ही रेट है तो यही ले। एक एक पाव लेने काफ़ी ज़्यादा नहीं है। कैमरा कितना मज़े का आ रहा है। रोजे के बाद ना अक्सर लोग कहते हैं ये मज़ा आता है, ये खाने का दिल करता है,
लेकिन मुझे इनमें से किसी सब चीज़ों को देख के भी लगभग नहीं आ रही कि इनमें से कुछ खा लो। अफ्तार के बाद कुछ भी दिल नहीं करता, डायरेक्ट सेरी करूँ। दूध, हाँ दूध ले लें। दही है, दही मैंने जमाई हुई थी, दही तो हैगा। ये रही जो है मायजा के खिलौने की शॉप। तो मैं यहाँ पे आई, टॉय शॉप आई और फिर मैंने आज वो मायजा के 2-3 टॉय लिए क्योंकि उसके हर्ट में डालने के लिए टॉय कम पड़ रहे थे। तो बिस्मा ने कहा आप जाकर लेकर आ जाओ, मेरा बाहर निकलना नहीं हो रहा है रहा की वजह से। तो मैंने इनमें से जो है ना यहाँ से टॉय लिए और वीडियो बनाना भूल गई कि मैंने क्या लिया क्योंकि रश बहुत हो रहा था यहाँ पे टॉय शॉप पर। तो मैंने टॉय लेकर वो मैं इंशाल्लाह कल अगर अम्मी के घर गई तो ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने टॉय में क्या क्या हमायजा के लिए लिए। और ये बड़ी ज़बरदस्त शॉप थी टॉय की, तो यहाँ पे हर चीज़ बच्चों के हिसाब से था।